हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से आप लोग के लिए पटना के नज़दीक बीहटा में एक इन्वेस्टमेंट प्लॉट लेकर आ गया हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी वीडियो मैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड डालूँ तो वो आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले आप इस प्रॉपर्टी के लोकेशन को समझिए। ये प्रॉपर्टी बीहटा में IIT कॉलेज से 5 किलोमीटर आगे सिकरिया चौक के पास बवनलई गाँव है। उसी बवनलई गाँव में ये 400 बीघे का मेगा टाउनशिप बन रहा है, जो कि बिहार झारखंड का अभी तक का सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट है। इसमें आप देख रहे हैं पूरा रोड वोड सब बनाया हुआ है, रोड नाला सारा कुछ डिमार्केशन किया हुआ है, रोड बनाया हुआ है। सामने गोलंबर है सोसाइटी का, और ये गोलंबर से आप जो भी ब्रांच रोड देख रहे हैं सब 30 फीट है, और गोलंबर के सामने वाला रोड 60 फीट है। सोसाइटी है जिसमें 60 फीट का रोड और 30 फीट का रोड आपको मिलेगा। ये हमारा मेन जो औरंगाबाद वाला रोड है IIT के सामने, उससे ये ब्रांच रोड आया है नहर रोड। इसी नहर रोड पर ये प्रोजेक्ट है। ये नहर रोड जो है 120 फीट का फ्यूचर में रोड बनेगा, और आसपास भी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो रहा है। 4-5 कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रही है, और ये जो हमारी कंपनी है ये अभी तक का बिहार झारखंड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ऐसा प्रोजेक्ट आपको पूरे पटना पूरे बिहार में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये हमारा पहला एंट्री गेट है सोसाइटी का, जिसमें अभी हम अंदर जा रहे हैं। ये 60 फीट का रोड है जो आपको दिख रहा है पूरा, और सामने जब हम लोग सोसाइटी में जैसे इन करते हैं तो ये जो साइड में आप खाली ज़मीन देख रहे हैं ये सब फ्यूचर के लिए प्रपोज्ड एरिया। यहाँ पे 5-स्टार होटल बनेगा, और ये हमारा साइट ऑफिस है। ये देखिए साइट ऑफिस है, पूरे में प्लांटेशन किया हुआ है, पार्क बनाया हुआ है साइट ऑफिस के पास। ऐसा ही पार्क आपको सोसाइटी के अंदर भी बना के मिलेगा। अभी सबका एरिया छोड़ा हुआ है, सब दिखेगा। आप वीडियो में पूरा बने रहे और वीडियो को पूरा देखें। ये हमारा साइट ऑफिस है, देख रहे हैं यहाँ पे कितना अच्छे तरीके से प्लांटेशन किया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी का आपको यहाँ पे पेड़ देखने को मिलेगा। इस तरीके का प्लांटेशन आपको शायद ही पटना में कहीं देखने को मिले किसी सोसाइटी के अंदर। ये हमारा 60 फीट का रोड था, हम दूसरा एंट्री गेट से अंदर आए हैं। और ये साइड में राइट साइड में जो आप खाली जगह देख रहे हैं ये कम्युनिटी हॉल का एरिया है, यहाँ पर कम्युनिटी हॉल बनेगा। और लेफ्ट साइड जो देख रहे हैं लेफ्ट साइड में शॉपिंग मॉल बनेगा। ये एंट्री गेट है हमारा, लेफ्ट साइड में शॉपिंग मॉल और राइट साइड में कम्युनिटी हॉल का एरिया है। ये सब एरिया प्रपोज्ड एरिया है, यहाँ पे आपको ये सब चीज़ आने वाले समय में मिलेगा। ये देखिए ये सब सोसाइटी अपना जो ज़मीन है कमर्शियल छोड़े हुए है। ये 60 फीट का रोड है, पूरा सोसाइटी में शुरू से लेकर अंत तक आपको 60 फीट का रोड मिलेगा। ये सब 60 फीट का रोड है। यहाँ से हमारा 2 60 फीट का रोड जाता है, एक इधर और एक सामने जो दिख रहा है। सो दोनों 60 फीट के रोड पे हमारे पास है प्लॉट अवेलेबल। ये इधर चला जाता है लेफ्ट तरफ, ये राइट तरफ। अभी हम लोग राइट तरफ जाएंगे। ये 60 फीट का रोड है, ये देखिए रोड के साइड साइड से जो है 10-10 फीट का जो है फुटपाथ चलने के लिए दिया गया है, और ये प्लांटेशन किया हुआ है। ये वीडियो जो है काफ़ी पुराना है, ये इसमें जो आप पेड़ देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, उस पूरे में मतलब हरियाली से भर गया है अभी ये सोसाइटी जो है। ये पुराना वीडियो है जो अभी आप देख रहे हैं। ये 60 फीट का रोड है देखिए, और साइड साइड से भी प्लांटेशन किया हुआ है। दोनों तरफ के रोड के साइड साइड से प्लांटेशन किया हुआ है, और रोड के बीच में भी प्लांटेशन किया हुआ है। ये हमारा सोसाइटी का मंदिर है, देखिए सामने में जो दिख रहा है टेम्पल है। यहाँ हर साल शिवरात्रि के दिन शिवरात्रि का पूजा होता है। ये शिवरात्रि के दिन का बनाया हुआ वीडियो है, उसी को हम दोबारा एडिट करके आपको दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अभी आप आएंगे तो यहाँ पे बहुत सा डेवलपमेंट जो है देखने को मिलेगा। ये रोड ये सब भी काफ़ी बन चुका है, और ये जो पेड़ सब आप देख रहे हैं ये सब काफ़ी बड़ा हो गया है, सब में पत्ता वत्ता निकल गया, तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। एक बार आप साइट विज़िट ज़रूर करें, ये काफ़ी अच्छा प्लॉट है। इस तरीके का प्लॉट आपको बिहार में शायद ही कहीं देखने को ना के बराबर नहीं, मतलब कहीं है ही नहीं इस टाइप का प्लॉट आपको मिलेगा। तो ये देखिए हमारा 60 फीट का रोड, जिसमें बीच बीच से प्लांटेशन किया हुआ है, साइड साइड से भी प्लांटेशन किया हुआ है। ये
घर भी हमारे सोसाइटी के अंदर बनना शुरू हो गया है। ये 30 फीट का ब्रांच रोड देखिए, हर 60 फीट के रोड से आपको 30-30 फीट का ब्रांच रोड मिलेगा। ये डॉक्टर मदन मोहन दुबे का फार्म हाउस है, देखिए लगभग 20 कट्ठे में ये डॉक्टर साहब है जो अपना फार्म हाउस बना के यहाँ पर रह रहे हैं। और रेडी टू मूव सोसाइटी है, आप चाहे तो यहाँ लेके घर भी बना सकते हैं। सब ब्रांच रोड 30-30 फीट का आपको दिख रहा है, देखिए ये भी ब्रांच रोड 30 फीट, हर 60 फीट से आपको हर 10 कदम पे एक 30-30 फीट का ब्रांच रोड देखने को मिलेगा। और सारा प्लॉट जो है सब में डिमार्केशन किया हुआ है, जो लोग लिए हुए हैं अपना बाउंड्री कर चुके हैं यहाँ पर प्लॉट पर, यहाँ पर आप एग्रीमेंट करा के टोकन मनी दे के बाउंड्री कर सकते हैं प्लॉट पर। यहाँ जो है आपको प्लॉट पर कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा साफ़ सुथरा प्लॉट है, देखिए हमारा सब सोसाइटी का बनाया हुआ प्लॉट सब है, सारा डिमार्केशन किया हुआ है। ये 3-4 लोग जो है अपना घर भी बनाना शुरू कर चुके हैं, आने वाले 4 से 5 साल में आपको 10 से 15 घर यहाँ देखने को मिलेगा, लेके आप आराम से 2-3 साल बाद घर बना के भी रह सकते हैं यहाँ पे। ये 60 फीट का रोड है, सीधा सोसाइटी में 3 किलोमीटर सोसाइटी का रनिंग एरिया है, 3 किलोमीटर में सोसाइटी जो है फैला हुआ है। ये देखिए ब्रांच रोड सब 30-30 फीट का, और यहाँ से हमारा रेसिडेंशियल प्लॉट सब शुरू होता है। छोटा छोटा प्लॉट जिनको लेना है उनको यहीं पे मिलेगा, 1 कट्ठा 2 कट्ठा 945 स्क्वायर फीट, मिनिमम 945 स्क्वायर फीट का प्लॉट हमारे पास अवेलेबल है। और सोसाइटी के अंदर आपको पार्क भी मिलेगा, पार्क, कम्युनिटी हॉल और मंदिर, 3 चीज़ आपको मिलेगा। और आने वाले भविष्य में आपको और भी मतलब फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगा, जो आगे वाला जो एरिया है, प्रपोज्ड एरिया है जो सोसाइटी अपने लिए छोड़ेगा, उसमें आपको सोसाइटी और भी बहुत कुछ बना के दे आने वाले समय में। तो ये जो है एक कंप्लीट छोटा सा एक शहर है जिसमें आप आराम से रह सकते हैं, आपको सारा सुख सुविधा आपको यहाँ पर मिलेगा, किसी भी चीज़ के लिए आपको बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है। और देखिए कितना अच्छा तरीके से इसको डेवलप किया गया है, और बीटा में आप जान ही रहे कि कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। बीटा में बहुत सा इंजीनियरिंग कॉलेज खुल चुका है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, दानापुर बीटा एलिवेटर रोड का भी काम शुरू हो गया है। तो आने वाले 4 से 5 साल में आपको जो प्लॉट का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा, ये आने वाले 4 से 5 साल में आपको प्लॉट का रेट 2 गुना 3 गुना हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा ये हमारा जो है, और उसमें भी एक तो बीटा इतना डेवलप कर रहा है, उसमें भी हमारे पास इस तरीके का टाउनशिप जहाँ आपको सारा सुख सुविधा मिलेगा, एक छोटा सा शहर ही बना के हम लोग दे रहे हैं। इतना खूबसूरत शहर आपको बिहार में कहीं नहीं मिलेगा, रहने के पर्पस से या इन्वेस्टमेंट पर्पस से। ये देखिए हमारा 60 फीट का रोड सीधा आया है गोलम्बर के पास, ये हमारा 60 फीट का रोड, और जो ही सोसाइटी में डिमार्केशन किया हुआ है सब 30-30 फीट का रोड, 60 फीट, और हर प्लॉट के आगे आपको 30 फीट का रोड मिलेगा। और पूरे सोसाइटी के नीचे ड्रेनेज का काम हो चुका है, पूरे सोसाइटी में ड्रेनेज भी बन चुका है। ये सब सोसाइटी में आप रहेंगे तो आपको पानी वानी का भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिएगा हमारे पास काफ़ी अच्छा ये रेसिडेंशियल प्लॉट अवेलेबल है बीटा में, IIT कॉलेज से 5 किलोमीटर आगे सिकरिया चौक के पास, और इसका जो रेट है वो है 1650 रुपये स्क्वायर फीट, 1650 रुपये स्क्वायर फीट इसका रेट है। तो एक बार आप इस सोसाइटी को विज़िट ज़रूर करें, प्लॉट आपको पसंद आएगा ही। अगर आप इन प्लॉट खोज रहे हैं पटना के नज़दीक, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपका बजट 20-22 लाख के अराउंड है, तो आप ये प्लॉट आराम से एक बार ज़रूर आके विज़िट करें। आप विज़िट करेंगे तो आपको ये प्लॉट एक नज़र में पसंद आएगा, क्योंकि ऐसा प्लॉट अभी कहीं है ही नहीं पूरे बिहार में। इतना अच्छा ग्रीन एरिया सब दिया हुआ है, पूरे सोसाइटी में आपको ग्रीन एरिया, काफ़ी ज़्यादा ग्रीन एरिया मिलेगा। इतना ज़्यादा प्लांटेशन किया हुआ है कि इतना प्लांटेशन आपको शायद ही कहीं देखने को मिले। सब ग्रीन एरिया है, गोलम्बर के साइड साइड से जो छोड़ा हुआ जो आप जगह देख रहे हैं सब ग्रीन एरिया है। काफ़ी खूबसूरत हमारा टाउनशिप है, टोटल 200 एकड़, 400 बीघे में ये टाउनशिप जो है वो बन रहा है। ये देखिए हमारा 30 फीट का ब्रांच रोड जिस पर अभी हम चल रहे हैं, सब में ड्रेनेज का काम आपको दिख रहा होगा, सब कंप्लीट है ड्रेनेज का काम। कुछ लोग अपना घर बना रहे हैं, वो सब भी है, सामने घर बनना भी शुरू हो गया है। और यहाँ पर हमारा जो है देखिए 4 पार्क है गोलम्बर के नियर में, ABCD 4 ब्लॉक है, चारों ब्लॉक का अलग अलग पार्क है। तो सोसाइटी में आपको पार्क भी मिलेगा, सब कुछ है, पार्क, कम्युनिटी हॉल, मंदिर, ये 3 चीज़ आपको मिलेगा।
अभी फ़िलहाल, और आने वाले टाइम में और भी बहुत कुछ मिलेगा। 2025 में है ये प्रोजेक्ट जो है पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आपके पास काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी, अभी कम रेट में प्लॉट मिल रहा है यहाँ पे। दानापुर बीटा एलिवेटर रोड बनने के बाद इस एरिया का जो रेट है सीधे दोगुना भाग जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं प्लॉट लेना तो आपके पास अभी समय है, आप जल्दी अपना एक छोटा सा प्लॉट बुक करें इसमें, ताकि आपका भविष्य जो है सुनहरा हो सके। तो अगर आप ये प्लॉट विज़िट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। साइट विज़िट बिल्कुल फ्री है।